हाँ पैसे मिल गए, मैं आ रहा हूँ, सी यू। हाय माता। कुछ नहीं हुआ मुझे। वो तेरा जट इतना भी कमजोर नहीं है किसी की मार खा के मरी जाए। नहीं, दोबारा कभी मत कहना ऐसा। तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी मेरी भी है। और तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी की गारंटी। अजमान, जब तक तुम साथ हो ना मुझे कुछ नहीं हो सकता। अजमान, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध ले आती, तुम्हें से आराम भी मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। अरमान के साथ हुआ धोखा, नहीं मिले अरमान को 15 लाख रुपए। वेल हाय गाइस, मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। दरअसल बात हो रही है कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ारिया की, जिसके आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अरमान है उसका गैराज अब उसका नहीं रहेगा। गैराज को बेचने की प्लानिंग हो रही है, और अगर उसे बचाना है तो 15 लाख रुपए की कीमत चुकानी होगी। अब अरमान के पापा कहते हैं, बेटा परेशान मत हो, जमीन का टुकड़ा बेच देते हैं, शायद तेरी मदद हो जाए। आसमा भी कहती है, अरमान पैसे मुझ पर पड़े हैं, मुझसे ले लो। लेकिन अरमान चाहता है कि वो खुद से कुछ करे, आसमा को दिखाए कि मैं काबिल इंसान हूं तुम्हारे लिए, जो कि एक अच्छे पति करता ही है, वैसे ही अरमान कर भी रहा है। लेकिन यहाँ पर अरमान को जब पता चलता है कि कुश्ती जीतने के उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे, तो उसे एक जरिया मिलता है। उसे लगता है कि चलो 15 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मेरी मुश्किल का हल निकल आएगा। अब ऐसे में शमशेर जैसे व्यक्ति से, जो कि एकदम ट्रेन है, उसे कुश्ती का सब कुछ पता है, उसे बहुत लोग जो है मात देने ही वाले होते हैं, लेकिन शमशेर जो है उन्हें धूल चटा देता है, इतना पक्का खिलाड़ी है। अब ऐसे में अरमान उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आसमा उसे रोकती है, मत करो ऐसा, तुम नहीं हो उसके तरह, वो जो है काफी ट्रेंड है, तुम नहीं हो। लेकिन अरमान कहता है, नहीं आसमा, मुझे ये करना है। 15 लाख रुपए के लिए अरमान उससे लड़ता है। पहले तो अरमान जो है हार ही मान लेता है, लेकिन फिर उठता है और शमशेर को गिरा देता है, यानी कि जीत जाता है। अब ऐसे में राशि फल मिलने वाला है भाई 15 लाख रुपए, लेकिन मिलता 25,000 है, जिसके बाद अरमान को गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं अरमान के साथ ये जो धोखा हुआ है क्या होगा इसके बाद। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए ना, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।